गुड मॉर्निंग डियर क्लास वन स्टूडेंट, वी आर इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एंड वी आर डूइंग लेसन 7 आई वंडर। टुडे आई विल डू एक्सरसाइज सेक्शन ए कॉम्प्रिहेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन, द बॉय इज सिटिंग नियर ए ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में क्या आएगा? लेक। आप लोगों ने पढ़ा है ना, द बॉय व्हेन आई सिट नियर ए लेक, लेक के पास बैठता है बच्चा, तो यहाँ क्या होगा? लेक होगा। द बॉय इज सिटिंग नियर ए लेक। सेकेंड में, ही इज लुकिंग एट द मून इन द, वो कहाँ देख रहा है मून को? कहाँ देख रहा है? वाटर में देख रहा है, पानी में, तो ब्लैंक्स में वाटर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड है, इट इज डैश टाइम, डे या नाइट। मून कब दिखाई देता है? नाइट में ही दिखाई देता है, इसलिए यहाँ ब्लैंक्स में नाइट फिल होगा, इट इज नाइट टाइम। फोर्थ, द मून एंड द डैश आर इन द स्काई। स्काई में क्या होता है? मून होता है और स्टार होता है, तो ब्लैंक्स में स्टार फिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग वोकैबुलरी देखते हैं। बी में क्या है? वोकैबुलरी है। ऐड वोकैबुलरी क्या है? ऐड वन मोर वर्ड फ्रॉम द पोएम टू ईच सेट। देखिए यहाँ पहला है, पहला सेट है टेक, लेक, टेक, और एक वर्ड आपको खुद ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा? फेक, ये आपके पोएम में है। सेकंड है सलाइट्स, गलाइट्स, और ये वर्ड भी आपके पोएम में है, हाइट्स। थर्ड में स्पून, मून, और ब्लैंक्स में आ जाएगा नून। उसके बाद यहाँ देखिए C1 है, सी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। C1 देखिए, स्ट्रेंजर इन द सेट, सेट में जो अलग है उसको हमें सर्कल करना है। जैसे योर टीचर विल से द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेट्स, सर्कल द वर्ड्स विच हैज़ ए डिफरेंट वोवेल साउंड। क्या कहता है कि यहाँ ये कहा जाता है कि आपके टीचर वर्ड बोलेंगे इस सेट में जो अलग वोवेल साउंड का है वर्ड, उसको सर्कल करना है। तो फर्स्ट में देखिए, मून है, फुट है, ब्रूम है। तो आप देखिए, मून और ब्रूम ये दोनों एक साउंड आ रहा है, और फुट ये अलग साउंड आता है, तो ये क्या होगा? डिफरेंट वोवेल साउंड हो गया, तो फुट को हम सर्कल कर देंगे। सेकंड है बीक, मेक, ब्रेक। देखेंगे तो मेक और ब्रेक दोनों का एक साउंड आ रहा है, जबकि ये बीक, बीक अलग साउंड आ रहा है, तो बीक को हम सर्कल कर देंगे। उसके बाद थर्ड को देखिए, राइड, रिडल, राइट। राइड और राइट दोनों एक साउंड है, और रिडल अलग है, तो रिडल को हम सर्कल कर देंगे। अब देखिए C2 है, साउंड ऑफ इंग्लिश। से द फॉलोइंग वर्ड्स आफ्टर योर टीचर। पहले ये वर्ड को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद आप पढ़ेंगे। वर्ड है फुल, फुल, बुश, कुक, शुड। फुल, बुश, कुक, शुड। देखिए इसमें यू का साउंड जो है, यू या ओ का शॉर्ट साउंड है, और इसमें लॉन्ग साउंड है। टूल, रूल, मूड, शू। टूल, रूल, मूड, शू। इसके बाद सेकेंड में देखिए, पेयर्स ऑफ वर्ड्स। पुल, पूल, इसमें यू का साउंड है तो शॉर्ट साउंड है, और ओ है, डबल ओ है, तो ये लॉन्ग साउंड है। पुल, पूल। सूट, स्वीट। सूट, सूट। फुल, फूल। रूक, रूट। फिर से देखिए, ये क्या है? पुल, पूल। सूट, सूट। फुल, फूल। रूक, रॉक, रूट। ठीक है, ये क्या है? रूक, ये रूट।
इस तरह से आपका जो है लेसन 7 का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आप लोग जो है आगे डी में एक्टिविटी है द नाइट स्काई, वॉचिंग द नाइट स्काई इन द इंटरेस्टिंग। कैन यू काउंट द स्टार, व्हाट इज द शेप ऑफ द मून टुडे, ड्रॉ द माई नाइट स्काई इन योर नोटबुक। ये आपके लिए करने के लिए है कि स्काई को स्काई में आप चांद को स्टार को देखेंगे और पूछ रहे हैं क्या आप स्टार को काउंट कर सकते हैं और मून का आज क्या शेप है वो बनाइए अपने नोटबुक में। तो उम्मीद है कि आप लोग इन सब को कंप्लीट कर लीजिएगा और एक्टिविटी करने की कोशिश कीजिएगा। आज हम क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।